Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to start class 8th English third lesson, which is Glimpses of the Past. So let's start. Glimpses of the Past yane atit ki jhalkiya. Before you read, padhne se pehle, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ सन 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की कुछ सचित्र झलकियाँ पेश की गई है. पिक्टोरियल ग्लिम्सेस यानी सचित्र झलकियाँ. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लीड टू द event known as the First War of Independence in 1857. ये चित्र और संक्षिप्त भाषण आपकी उन परिस्थितियों की समझ को स्पष्ट करने में सहायता करेंगे जिनके कारण 1857 में वे घटनाएं हुई जिन्हें स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता था. Clarify यानी स्पष्ट, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, इवेंट यानी घटना, कंडीशंस यानी परिस्थितियाँ. ये लेसन कुल 9 पॉइंट्स पर आधारित है और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के रूप में है और इतिहास पर आधारित है. हमारा फर्स्ट पॉइंट है द मार्टिर्स मतलब शहीद. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक समारोह में. ओ माई कंट्रीमैन, Let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. मतलब ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. Countrymen मतलब लोगों, recall यानि याद करना, sacrifices यानि कुर्बानी. Our second point is the company's कॉन्केस्ट, कंपनी की विजय. 1757 टू 1849. विथ इट्स सुपेरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अपने उत्कृष्ट हथियारों के बल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं सदी के भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी. सुपेरियर यानी उत्कृष्ट, वेपन्स यानी हथियार, एक्सटेंडिंग यानी विस्तार करना, पावर यानी शक्ति. आगे बढ़ते हैं. इंडिया 1765, इंडियन प्रिंसेस मतलब भारतीय राजा, ब्रिटिश टेरिटरी यानी ब्रिटिश क्षेत्र, टेरिटरी यानी क्षेत्र. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा अदूरदर्शी थे. शॉर्ट साइटेड यानी अदूरदर्शी. दैट अपस्टार्ट राजा, बाह वह कल का राजा है. अपस्टार्ट यानी कल का राजा, बाह ये तुच्छता सूचक शब्द है. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे उसे हराने में वे मेरी सहायता करेंगे. मर्चेंट्स यानी व्यापारी, डिफीट यानी हराना. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, ऐसे निरंतर लड़ाइयों के कारण लोगों में शांति नहीं थी. पीस यानी शांति, ड्यू टू यानी के कारण, कॉन्स्टेंट फाइट्स यानी निरंतर लड़ाइयाँ. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. ऐसी प्रतिद्वंद्विताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और एक एक करके आसानी से भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया. राइवलरीज यानि प्रतिद्वंद्विता या विरोधी, सबड्यू यानि अधीन करना या अपने वश में करना. आगे बढ़ते हैं. अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर
fought the British till he died fighting. मैसूर का बहादुर टीपू जैसा दूरदृष्टि राजा अंग्रेज़ों से लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया. फार सीइंग रूलर यानी एक दूरदर्शी शासक. फॉट यानी लड़ा. फाइटिंग यानी लड़ते हुए. हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट. भारतीयों ने इन विजयों पर क्या प्रतिक्रिया दी. कॉन्क्वेस्ट यानी विजय. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ. नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. भगवान का शुक्र है देश में अब शांति है. अब और युद्ध नहीं होंगे और ठगों द्वारा और लूटपाट नहीं की जाएगी. वॉर्स यानी युद्ध. ठग्स यानी ठग जो लूटते हैं वो ठग. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. भगवान ने अंग्रेज़ों को भेजा है. आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम. उनके साथ हमारा भाग्य जुड़ा है. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आर किंग्स. अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को मार दिया है या अपदस्थ कर दिया है. डिथ्रोन्ड यानी अपदस्थ करना या राजगद्दी से उतारना. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. कुछ राजा अच्छे नहीं थे परंतु आखिरकार वे इस भूमि के थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं. स्लेव्स यानी गुलाम. फॉरेनर्स यानी विदेशी. लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश राज 1765 टू 1836. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक नेता छुआछूत और बाल विवाह का पाठ पढ़ाते थे. रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक नेता. प्रीस्ट यानी प्रचार करना या पाठ पढ़ाना. अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत. एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन. जो कोई समुद्र पार जाएगा अपना धर्म खो देगा. क्रॉसिंग यानी पार करना. लॉसेस यानी खो देना. रिलीजन यानी धर्म. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. विश्व में सारी परेशानियां महिलाओं के कारण हैं. मिजरी यानी परेशानी. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने आत्मसम्मान खो दिया था. द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. अंग्रेज उनका तिरस्कार करते थे. स्कॉन्ड यानि तिरस्कार करना. सेल्फ रिस्पेक्ट यानि आत्मविश्वास. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ईमानदारी के काबिल नहीं है. नेटिव्स यानि मूल निवासी. अनवर्दी यानि अयोग्य. ट्रस्ट यानि भरोसा. इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी यानि ईमानदारी के काबिल नहीं होना. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. सच है महोदय लेकिन मैं ईमानदार हूँ. योर ऑनर यानि माननीय महोदय. बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स. देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. व्यापारी होने के कारण अंग्रेज़ों को तुरंत लाभ चाहिए था. उनके अत्यधिक करों ने किसानों को अपनी ज़मीन छोड़ने को विवश कर दिया था. हेवी टैक्सेस यानि अत्यधिक कर. अबैंडन यानि छोड़ देना. देयर फील्ड्स यानि अपनी ज़मीन. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं. क्रॉप यानि फसल. यू आर स्टिल इन एरियर्स. इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. तुम अभी भी कर्ज में दबे हो. यदि तुम अगले सप्ताह तक भुगतान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा. एरियर्स यानि बकाया या शेष.
Still, the British invented other methods which gave them more profits. तथापि अंग्रेजों ने अन्य पद्धतियों का आविष्कार किया जिसने उन्हें अधिक लाभ दिया. Invented यानी आविष्कार किया. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं पर भारत लाए जाने पर कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए. इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क. अ गुड आइडिया, अच्छा विचार है. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को अपंग बनाना शुरू कर दिया था. क्रिपल यानी अपंग बनाना. इनएविटेबली फेमंस फॉलोड, इसके परिणाम स्वरूप अकाल पड़ा. फेमंस यानी अकाल. बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. 1822 और 1836 के बीच 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए. स्टारवेशन यानी भूखमरी. द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस. ब्रिटिश नीतियों ने विशेषज्ञ कारीगरों और उनके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया. रुइंड यानी बर्बाद कर दिया. एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ. आर्टिजन्स यानी कारीगर. आर फोर्थ पॉइंट इज राम मोहन रॉय 1772 to 1833. राम मोहन रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वॉज रॉन्ग विद द कंट्री. बंगाल के एक विद्वान राम मोहन रॉय ने समझा कि देश में क्या गलत हो रहा था. लेट अस नॉट डिस्पाइस आर सेल्व्स, आर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. हमें स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है. डिस्पाइस यानी तुच्छ समझना, एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अधिक महान उपलब्धियों में सक्षम हैं. कैपेबल यानी सक्षम होना, ग्रेटर अचीवमेंट्स यानी महान उपलब्धियाँ. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस. हमें पहले अपने समाज को सुधारना चाहिए, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं. रिफॉर्म यानी सुधारना, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास. आगे बढ़ते हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. गाय विभिन्न रंगों की होती है लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. विभिन्न शिक्षकों की भिन्न राय होती है परंतु प्रत्येक धर्म का तत्व समान होता है. ओपिनियंस यानी राय, एसेंस मतलब तत्व या सार. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान को प्रायोगिक और वैज्ञानिक होना चाहिए. ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल. देयर ही टोल्ड देम, ऐसा क्या है ब्रिटिश इतने शक्तिशाली बन गए हैं, ये देखने के लिए वे समुद्र पार कर इंग्लैंड पहुँच गए. वहाँ उन्होंने कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. हमने आपको शासक के रूप में स्वीकार किया है और आपको भी हमें जनता के रूप में स्वीकार करना चाहिए. एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रूलर्स यानी शासक, सब्जेक्ट्स यानी जनता. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स. लेकिन आपको एक शासक की जिम्मेदारियों को ध्यान रखना होगा. आप जनता के ऋणी हैं, इसका भी आपको ध्यान
रखना होगा। ओव्स टू यानी ऋणी होना या देनदार होना। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। ये लाइन हमसे मिस हो गई थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने समाचार पत्र छापना शुरू किया, परंतु संदेह ही अंग्रेज़ों ने उन्हें 1823 में बंद कर दिया। सस्पिशियस यानी संदेही। फिफ्थ पॉइंट इज ऑपरेशन, मतलब अत्याचार, 1765 to 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। 1818 में उन्होंने अधिनियम 3 पारित किया था। इसके अंतर्गत एक भारतीय को कोर्ट में पेशी के बिना जेल में डाला जा सकता था। रेगुलेशन यानी अधिनियम, अंडर इट यानी इसके अंतर्गत, ट्रायल यानी पेशी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। भारत में अंग्रेज अधिकारी हर समय अत्यधिक वेतन लेते थे और निजी व्यवसाय में भी अपना भाग्य चमकाते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत में 7 करोड़ रुपए मूल्य के ब्रिटिश माल का निर्यात कर रहा था। एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात कर रहे थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। अंग्रेज अपनी कंपनी द्वारा की गई लूट से समृद्ध होते गए, जबकि भारतीय उद्योग खत्म होने लगे। प्रॉस्पर्ड यानी समृद्ध हुए। गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट ने अपने देश में बताया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत की भूमि को विरंजित कर रही है। ब्लीचिंग मतलब विरंजित करना या रंग उड़ाना या सफ़ेद करना। कॉटन वीवर्स यानी कपास बुनकर। सिक्स्थ पॉइंट डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, 1835 to 1856। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में पारसी और संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। इन 1835 एन इंग्लिशमैन नेम्ड मकॉली सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक अंग्रेज जिनका नाम मकॉली था, उन्होंने इसे बदलने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें निवासियों को अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अंग्रेजी शिक्षा से क्लर्कों का सृजन हुआ, जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने अधीन तुच्छ नौकरियां दी। पेटी जॉब्स यानी तुच्छ नौकरियां। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। संयोगवश इससे बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी का भी सृजन हुआ। न्यू जनरेशन यानी नई पीढ़ी, इंसिडेंटली यानी संयोगवश। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक परिस्थितियों में सुधार का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें ब्रिटिश संसद के पास अपनी शिकायतें पहुँचानी चाहिए। ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें, पार्लियामेंट यानी सदन। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड
कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो पिंक एरिया है वो ब्रिटिश एरिया है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश लोगों का जो क्षेत्र था वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब देख सकते हैं उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वे भारतीयों की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान देते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स, हमारे राजा कठपुतली बन गए हैं और हमने अपनी पुरानी नौकरियां गंवा दी हैं। पपेट्स यानी कठपुतलियां एंड लैंड्स और भूमि। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल बातें करते हो, उन्हें बाहर भगाने के लिए कुछ करो। टू ड्राइव आउट यानी बाहर भगा देना। सेवेंथ पॉइंट इज द स्पार्क्स चिंगारिया 1855 to 57। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, करों से किसान बर्बाद होते रहे। पीजेंट्स यानी किसान। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, बंगाल में संथाल जिन्होंने नए भूमि कानूनों के अंतर्गत अपनी भूमि गंवा दी थी वो निराश हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मसाक्रे यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, 1855 में वे विद्रोही हो गए और यूरोपीय लोगों तथा उनके समान सहयोगियों का नरसंहार किया। रिबेलियन यानि विद्रोही, मसाक्रे यानि नरसंहार किया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष बढ़ रहा था। ब्रूइंग यानि उमड़ना या एकत्र होना। डिसकंटेंट यानि असंतोष। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, अंग्रेज सैनिक को अत्यधिक वेतन मिलता है, रहने के लिए कोठी मिलती थी और हम नौकर है। व्हाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें तुच्छ समझा जाता है और धीमी पदोन्नति मिलती है। पिटेंस यानी तुच्छ। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को समाप्त करने वाला टोपी वाला कौन होता है। अबॉलिश यानि समाप्त करना, कस्टम्स यानि प्रथाएं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को बाहर भगा देना चाहिए। सेपॉय मंगल पांडे अटैक द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, सिपाही मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के एजुटेंट पर हमला किया और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। थाउजेंड्स ऑफ सिपॉयज रिवॉल्टेड, हजारों अनेक सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनकी वर्दी उतार दी गई, प्रताड़ित किया गया और जेल में डाल दिया गया। रिवॉल्टेड यानि विद्रोह किया, स्ट्रिप्ड यानि उतार दी गई, ह्यूमिलिएटेड यानि अपमानित किया, आयरन्स यानि जेल। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड to understand Indian customs or the people's mind, कुछ अंग्रेज़ों को भारतीय परंपराओं या लोगों के सोच को समझने की चिंता थी। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the Greeks
on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. अरे गर्वित ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम्हें पता है कि गोली के जिस ग्रीस को तुम्हें मुंह से काटना पड़ता है वह गायों और सुअरों की चर्बी से बनती है. What? क्या? The white man has deceived us too. अंग्रेज़ों ने हमसे भी धोखा किया है. Deceived यानी धोखा दिया. Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. शीघ्र ही लोगों को यह बताने के लिए कि उनके राजा को उनकी सेवा की ज़रूरत है, गांव-गांव रोटियां भेजी गई. Yes, all my village men will be ready. हाँ, मेरे गांव के सभी लोग तैयार हो जाएंगे. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच कमल के फूल बांटे गए. Circulated मतलब बांटे गए. Death to the foreigner, विदेशी की मौत. The masses gave all help and shelter to the patriots. लोगों ने देशभक्तों को सभी सहायता की और आश्रय दिया. Masses यानी जनता, patriots यानी देशभक्त. जैसे कि इस लेसन में कई सारे हार्ड वर्ड्स आए हुए हैं तो इसके हिंदी मीनिंग का एक वीडियो हम इसके बाद बनाएंगे, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा. आगे बढ़ते हैं. एट्थ पॉइंट, रिवॉल्ट. 1857, रिवॉल्ट यानी विद्रोह. देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ. तब मेरठ में एक हिंसक विद्रोह हुआ था. वायलेंट यानी हिंसक, आउटब्रेक यानी विद्रोह. द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली. सिपाहियों ने दिल्ली कूच किया. मार्च यानी कूच किया. लॉन्ग लाइव आर एम्परर बहादुर शाह. हमारे शहंशाह बहादुर शाह की जय. द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. बगावत अधिक व्यापक फैल गई. रिबेलियन यानी बगावत, स्प्रेड यानी फैल गई, वाइडर यानी व्यापक. मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. अंग्रेज नीतियों के कारण अपनी भूमि गवा दी थी और वे नाराज थे. सोर यानी नाराज होना. द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड. अंग्रेज़ों का शासन समाप्त होना चाहिए. यस वी विल हेल्प यू. हाँ हम तुम्हारी सहायता करेंगे. लास्ट पॉइंट इज द फाइट फॉर फ्रीडम. स्वतंत्रता के लिए लड़ाई. 1857, मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर. अनेक भूतपूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल बहुत दुखी थी. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. वो कहती है कि अंग्रेज़ों ने मेरा साम्राज्य छीन लिया है. दे जॉइन द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेनर. वे विदेशियों के विरुद्ध लहर से जुड़ गए हैं. अपसर्च यानी लहर. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल. प्रसिद्ध नेता जैसे फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रुइनिंग आर लैंड. जागो भाइयों जागो, अंग्रेज हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं. द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद. बरेली कानपुर और इलाहाबाद में हर जगह लोग जागृत हो गए. अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे. अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हमें स्वतंत्रता की लड़ाई में पेशवा नाना साहेब को अपना नेता बनाना चाहिए. द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. देशभक्त अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और संपूर्ण भारत में घमासान युद्ध हुआ. पीस्ट बैटल्स यानी घमासान युद्ध, पाउंस्ड यानी टूट पड़े.
80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह को कलाई में गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा, मेरी ओर से यह आपको अंतिम भेंट है। फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से, SD सावंत।